पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह 9:30 बजे देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये मुरादाबाद रेल मंडल की दूसरी और मुरादाबाद जंक्शन से गुजरने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। रेलवे ने पहले दिन यात्रियों को ट्रेन में मुफ्त सफर कराया। इसमें रेल कर्मियों के परिजन, रिश्तेदार, समाज सेवी, पत्रकार और सामान्य नागरिक शामिल थे। मुरादाबाद स्टेशन पर रुकने के बाद मेट्रो की तर्ज पर ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। यहां से 200 से ज्यादा यात्री इस 9 कोच वाली चेयर कार ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन देहरादून से चलने के बाद हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली में कुछ देरी के लिए रुककर निर्धारित समय 5:40 से 11 मिनट पहले ही लखनऊ पहुंच गई। हर ठहराव स्टेशन पर रेलवे ने यात्रियों को मुफ्त टिकट देकर बैठाने की व्यवस्था की। मुरादाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष आकाश पाल सहित महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा के साथ पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का स्वागत किया। स्टेशन पर बनाए गए मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ट्रेन के रवाना होने से पहले घोषणा की गई कि जो लोग परिजनों को बैठाने के लिए ट्रेन में चढ़े हैं वो नीचे उतर जाएं, क्योंकि दरवाजे बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलेंगे। बरेली स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन पूरी तरह भर गई। कुल 640 यात्रियों ने लखनऊ तक सफर किया। मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जो हम मुरादाबाद वासियों के लिए वंदे भारत के रूप में इतना बड़ा तोहफा दिया है, जिससे हम लोगों का समय बचेगा लखनऊ जाने और आने में, देहरादून जाने और आने में, और व्यापारिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां एवं अन्य गतिविधियां, इन सभी गतिविधियों के लिए हमारा समय की बहुत बचत होगी। और ये वंदे भारत अमूल्य तोहफा है मोदी जी की तरफ से मुरादाबाद वासियों के लिए, धन्यवाद। के विकास में एक नया पंख लगा है। जो तोहफा आज माननीय मोदी जी की तरफ से मुरादाबाद वासियों को मिला है वो बहुत ही अकल्पनीय है, और बहुत ही इसमें हम उनका धन्यवाद कहेंगे कि मुरादाबाद वासियों के लिए दिए। देहरादून का आना जाना सफल सुगम होगा, और लखनऊ जाने के जो यहाँ से लखनऊ के लिए 6 घंटे का सफर हमें समय लगता था, वो उसमें 4 घंटे 4.5 घंटे लगे, समय की बचत है। मैं मोदी जी को, मुरादाबाद वासियों की, मुरादाबाद जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और 10 वंदे भारत ट्रेनों का जो मोदी जी ने सौगात भारतवर्ष को दी है, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 10 ट्रेनों में एक ट्रेन मुरादाबाद मंडल को भी मिली है, जो कि देहरादून से लखनऊ तक रोज जाया करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और देश के नागरिकों और मुरादाबाद लोकसभा के नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार मोदी जी का हम प्रकट करते हैं, सभी क्षेत्रवासी, सभी लोकसभा क्षेत्रवासी, और हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही मोदी ने जो आज गिफ्ट दिया है इस हमारे क्षेत्र को वंदे भारत के रूप में, निश्चित तौर पे हम रिटर्न गिफ्ट के रूप में उन्हें लोकसभा मुरादाबाद देने जा रहे हैं। अच्छा, आज आपने ट्रेन में भी घूमकर कैसी लगी ट्रेन का, क्या? देखिए, विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए हमारी सरकार पहले ही प्रतिबद्ध है, और जो एक समय में देश के अंदर देखा जाता था कि देश का जो विकास का जो पैमाना है वो इन्हीं सब सुविधाओं से आका जाता है कि देश के अंदर साफ़ सफाई कैसी है, उसकी रेलें कैसी हैं, उसकी सड़कें कैसी हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मोदी जी ने विश्व के पायदान पे नंबर एक पे भारत को लाके खड़ा कर दिया है, ये निश्चित तौर पे आपको देखने को भी मिलता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।